जैन फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नया करंट अफेयर टॉपिक लेके आए हैं और करंट अफेयर टॉपिक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम लेके आए हैं व्यूज आपके लिए। और व्यूज में है इंडिया रैंक इन वेरियस इंडेक्स, मतलब वेरियस इंडेक्स मतलब कौन से इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है। और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जो भी एग्जाम आप जैसे यूपीएससी सीडीएस या एफकेट कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या बैंकिंग रिलेटेड, इससे क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन तो रिलेट रहते ही रहते हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस कितना हो सकता है। और मैं आपसे फ्रेंड्स यही कहना चाहूंगा, मोटिवेट रहिए क्योंकि एग्जाम दिन ब दिन टफ होते जा रहे हैं और आपको थोड़ी वर्स स्टडी करनी पड़ेगी, उसके साथ आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी क्योंकि आज देख रहे हैं आप कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा हम इसको डीप एनालाइज करेंगे, अंदर के जो भी पॉइंट्स है वो सब इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आप ये ना समझिए कि ये छोड़ देंगे, ये आपको सब रिवाइज करना है दोस्तों। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सोचिएगा मत कि कुछ आपसे एक्सपेक्ट एग्जाम में हो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। आपके पॉइंट आप पता नहीं है कि क्या एग्जाम में उठ सकते हैं क्वेश्चन। और थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है दोस्तों आज, तो आप बने रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इंडिया रैंकिंग वेरियस इंडेक्स में सबसे पहला हम इंडेक्स देखते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट। आप नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों आपको। पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में निकाला गया था और उसमें सबसे जो पावरफुल पासपोर्ट है वो जापान का है, जैपनीज पासपोर्ट है और ये बहुत पावरफुल है। और इंडिया का जो रैंक है, इंडिया का इसके अंदर जो रैंक है वो है ऑलमोस्ट 81 रैंक दिया गया है। और जापान को क्या दिया गया है दोस्तों, फर्स्ट रैंक। आप कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो इंडेक्स है इसमें काफी सारे पासपोर्ट इंडेक्स में तीन तरह के पासपोर्ट इंडेक्स आते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 और उसके अंदर जापान फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया 81 रैंक पे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो है पासपोर्ट इंडेक्स है एक ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स भी है। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स का मैं आपको बताता हूं, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में तो उसमें सिंगापुर आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स ये भी 2018 में आया था और इसमें सबसे पावरफुल जो देश है वो सिंगापुर है। आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है दोस्तों इंडेक्स में, जो भी इंडेक्स आते हैं और जो भी इंडेक्स कोई भी इंस्टीट्यूट रिलीज करती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फर्स्ट रैंक कौन सा है, फर्स्ट नेशन कौन सा है और उसके बाद इंडिया का क्या रैंक है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो ज्यादातर पूछा जाता है कि इंडिया का क्या रैंक है। तो सिंगापुर तो फर्स्ट रैंक हो गया है, उसके बाद इंडिया का इसके अंदर रैंक दूसरा है दोस्तों, इसके अंदर 66 रैंक है। किसके अंदर? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 66 रैंक। ओके, और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में क्या था दोस्तों इंडिया का? 81 रैंक। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड एक और है जो एस्ट्रॉन कैपिटल रिलीज करता है पासपोर्ट इंडेक्स, एस्ट्रॉन कैपिटल ये पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज करता है। तो इसमें इसका सबसे पावरफुल है यूएई का, यूनाइटेड इमिरेट्स के लिए, यूएई के लिए। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 113 कंट्रीज जो है उसके लिए पासपोर्ट फ्री रखा है इसने, जो एस्ट्रॉन कैपिटल ने जो निकाला है उसमें यूएई का फर्स्ट रैंक है। ओके फ्रेंड, और इंडिया का रैंक देखेंगे हम, इंडिया का जो रैंक है इसके अंदर वो है 140। आप देख सकते हैं सबका अलग अलग क्राइटेरिया है और ये क्राइटेरिया नापा कैसे जाता है, इसके अंदर जो पासपोर्ट क्राइटेरिया नापने का यही मतलब होता है जो कंट्री ज्यादा रिलायबल हो। रिलायबल किस तरीके से? कि वो पासपोर्ट ज्यादा उसमें वर्क ना करना पड़े, जल्दी से आपको पासपोर्ट मिल जाए और वीजा फी ट्रैवल भी हो, इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो इसके अंदर देखी जाती है और उसके बाद इंडेक्स में दिया जाता है। और इंडिया तो आपको पता ही है उसका पासपोर्ट इतना पावरफुल वैसे भी नहीं है। तो उसके बाद हमने देख लिया तीन पासपोर्ट, मैंने आपको बता दिया ग्लोबल पासपोर्ट का, ऊपर से मैंने हेनली पासपोर्ट का बता दिया आपको और उसके बाद मैंने आपको बता दिया है एस्ट्रॉन कैपिटल का। तो ये तीन ग्लोबल पासपोर्ट के मैंने डिस्कशन कर लिए। उसके बाद आ जाते हैं रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का, मतलब आ गया आरएसएफ का,
आरएसएफ का फुल फॉर्म है रिपोर्टर, ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि आरएसएफ का फुल फॉर्म क्या है कोई भी एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप नोट डाउन करेंगे तो सबसे बेनिफिट रहने वाला है आपका रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, मतलब कि बाहर से जो मीडिया कंटेंट आता है जैसे बीबीसी हो गया, वो बाहर की कंटेंट मीडिया है, इंडिया की मीडिया नहीं, वो आके अगर रिपोर्ट कर रही है इंडिया में तो डेडलीएस्ट, मतलब इसमें डेडलीएस्ट देखा गया है कि इंडिया में मीडिया की वैल्यू क्या है, वैल्यू एक तरीके से मतलब कैसे वर्क कर पाती है, तो इंडिया की रैंक है या फिफ्थ, इंडिया की जो रैंक है वो फिफ्थ है और टॉप पे कौन है, टॉप पे है अफगानिस्तान, मतलब सबसे ज्यादा खतरा मीडिया को कहां महसूस होता है, अफगानिस्तान में। आपने थोड़ा सुना ही होगा कि इंडिया में जम्मू कश्मीर में अगर बीबीसी के कोई रिपोर्टर जाते तो रिस्ट्रिक्शन है, आसाम नागालैंड मिजोरम तरफ भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन देती है क्योंकि ये हमारे थोड़े प्रोविजनल एरिया है, यहाँ अगर मीडिया फोरकास्ट करती है तो हमें दिक्कत होता है। तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के जो उसमें रैंक है इंडिया का फिफ्थ है डेडलीएस्ट में और टॉप है अफगानिस्तान ने किया है, और जर्नलिस्ट के लिए सबसे मतलब मुसीबत वाली चीजें यही होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, नेक्स्ट में मैं आपको बता देता हूं WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जेंडर गैप देखा गया है, जेंडर गैप के बारे में इसमें बताया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडेक्स 2018 के अंदर। तो इंडिया का रैंक क्या है इसमें दोस्तों, इंडिया का रैंक है ऑलमोस्ट 108। कैसे है मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसकी मतलब हेडक्वार्टर कॉलोनी में है, कॉलोनी में इसकी हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कॉलोनी में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जेंडर गैप इंडेक्स 2018 इसने रिलीज किया था जिसमें इंडिया की रैंक 108 थी और फर्स्ट था आइसलैंड, ऑलमोस्ट हमेशा आइसलैंड ही रहता है, और सेकेंड था इसके अंदर नॉर्वे, और उसके बाद थर्ड था स्वीडन। तो ये तीन जो नेशन थे ये ऑलमोस्ट सेम ही थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये बता दूं मैं जेंडर गैप इंडेक्स में होता क्या है, इसके मापदंड क्या होते हैं। मापदंड ये रहता है कि जो भी जैसे मेल फीमेल का जो रेशो होता है, मेल फीमेल के रेशो में डिफरेंसेस जो देखा जाता है, हमारे इंडिया में मेल फीमेल का रेशो बहुत खराब है, तो हमारी मतलब रैंक आप समझ सकते हैं 108 रही है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम दूसरे उस पे आते हैं, उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रैंक बाय अ स्टॉकहोम बेस्ड थिंक टैंक, मतलब सिप्री का एक रिपोर्ट आई है कि 100 टॉप प्रोडक्शन कंपनीज, मतलब जो 100 टॉप कंट्रीज हैं उसके अंदर क्या मतलब सबसे ज्यादा एमुनेशन जो बनाता है, एमुनेशन बनाना मतलब जो गन सप्लाई ज्यादा करता है और जो ज्यादा मतलब आर्म्स की सप्लाई करता है, तो कौन कौन से नेशन से उसके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले सिप्री का फुल फॉर्म बता देता हूं मैं, सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम बेस्ड थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके फ्रेंड्स, सिप्री का फुल फॉर्म ये है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे सिप्री का फुल फॉर्म क्या है। और इसमें 100 कंपनीज थी जो कि एमुनेशंस बनाती है वर्ल्ड में, तो सबसे पहले जो रही है वो है अपनी यूएसए की कंपनी, यूएसए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, और यूएसए में सबसे ज्यादा जो वेटेज है कंपनी का वो लॉकहीड मार्टिन का है। मैंने आपको पहले भी मेरे पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लॉकहीड मार्टिन यूएसए की कंपनी फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक में आ जाता है बोइंग, वो भी यूएसए की कंपनी, ऑलमोस्ट जो डिफेंस के प्रोडक्शन जो भी होते हैं गन वगैरह, बोल्ट टैंक्स वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी रहते हैं दोस्तों, वो सब यूएसए के अंदर ही ज्यादा बनते हैं। इंडिया की क्या रैंक है वो हमारे लिए मैटर करती है, तो इंडिया की सबसे पहले जो रैंक आई है 37th रैंक आई है किसकी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की इसकी रैंक आई है 37th 38th आई है हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल जो हेल है, जो हमारे एरोप्लेन वगैरह बनाता है हेल
उसकी रैंक है दोस्तों ऑलमोस्ट एरोनॉटिक्स 38, उसके बाद 64th रैंक पे आई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे कह सकते हैं बेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भेल नहीं है दोस्तों, बेल है ये, भेल हो गया भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो अलग है, तो ये बेल हो गया। उसके बाद आ जाता है 94th रैंक पे हमारी भारत डायनेमिक्स। ये हमारी कुछ पीयूसीज है, पब्लिक सेक्टर फैक्ट्रीज है, जिसमें हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनते हैं दोस्तों। तो ये हमारी कुछ रैंक है 37, 38, 61, 91, 100 कंपनीज की मापदंड लिए गए थे इसके अंदर सिप्री ने, जिसमें फर्स्ट रैंक थी लॉकेट मार्टिन की, सेकंड थी बोइंग की, और फिर इंडिया की रैंक बता दू 37, 38, 64, 91। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ था, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब हम क्लाइमेट पे कितना ध्यान दे रहे हैं। इंडिया में तो क्लाइमेट की किसी को वैसे भी कोई परवाह ही नहीं, पानी तो ऐसे बहाते कि पूछो ही मत, और क्लाइमेट की तो पूछना ही एकदम गलत बात हो जाती है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में हमारा क्या इंडेक्स है वो हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 2019 के लिए। ये मैटर किया गया था, रिलीज किया गया था, और ये यूएन सबमिट में किया गया था, यूएन सबमिट में। ओके फ्रेंड्स, यूएन सबमिट में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर देखा गया था, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें इंडिया की जो रैंक थी, इंडिया की रैंक ऑलमोस्ट 11 थी, और टॉप किया था स्वीडन ने, और सेकंड था मोरक्को। तो ये कुछ कंट्रीज थी जिसने ये देखा गया था कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में यूएन समिट ग्लोबल वार्मिंग में इंडिया सबसे ज्यादा एमिरेट कर रहा है फिलहाल तो। और उसके नीचे बॉटम वगैरह में आपको थोड़ी रैंक्स बता देता हूं मैं, द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 में। तो इंडिया 11th रैंक पे था, टॉप स्वीडन ने किया, सेकंड मोरक्को था, और 16th रैंक में सऊदी अरब है, सऊदी अरेबिया। उसके बाद आ जाता है यूएसए, यूएसए तो आपको पता है कॉप 18 से भी बाहर हो चुका है, तो ये यूएसए 59th रैंक पे है दोस्तों, 59th रैंक पे यूएसए। उसके बाद ईरान आ जाता है, वो है 58th रैंक पे। उसके बाद आ जाता है 57th रैंक पे हमारा कोरिया, ये दोस्तों साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। उसके बाद आ जाता है 56 पे चाइनीज ताइपिन। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ इंडेक्स थे, और आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला। उसके बाद हम देखते हैं फोर्ब्स वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, मतलब वर्ल्ड में 100 ऐसी वुमेन जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब पावरफुल का मतलब ये नहीं है कि बॉडी वगैरह में, ये है मतलब एक तरीके से पावरफुल मतलब खुद की इंडिपेंडेंसी, मतलब कि वो मतलब कह सकते हैं कि इनकम के बेस से भी हो सकता है और दूसरे इंडेक्स में भी हो सकता है। तो फोर्ब्स वर्ल्ड इसको रिलीज करता है, फोर्ब मैगजीन है, 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। ओके फ्रेंड्स, वुमेन लिस्ट है जिसके अंदर टॉप किया है, फर्स्ट में आई है हमारी जर्मनी की चांसलर, जर्मनी में चांसलर चलता है, वहां पीएम सीएम नहीं चलता है, तो चांसलर जो है उसे एंजेला मार्कल कहा जाता है, एंजेला मार्कल इनने टॉप किया। इसके बाद सेकंड में आ जाते हैं यूके की पीएम है, यूनाइटेड किंगडम की पीएम थेरेसा मे, ये काफी पावरफुल वुमेन है ये भी, तो वो है। उसके बाद ये दो है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और इसमें मैंने आपको बता ही दिया है फोर्ब्स वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट के अंदर कि जो भी वुमेन्स है, जैसे कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्कल है, और सेकंड है यूके की पीएम थेरेसा मे। तो इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना लागार्डे, जो ये थर्ड नंबर पे आई है,
और थर्ड नंबर पे आने का कारण ये था इनका, क्योंकि इनकी जो करेंसी जो थी, इनकी जो महीने की कह सकते हैं सैलरी बहुत ज्यादा है, ज्यादा तो है ही है वैसे भी, तभी इनका रैंक ऊपर आया है थर्ड नंबर पे। ये पहले सिक्स नंबर पे थी। IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके फ्रेंड्स, तो ये क्रिस्टीना लागाडे, क्रिस्टीना लागाडे ये थर्ड नंबर पे, ओके फ्रेंड्स, ये कुछ था। उसके बाद मैं इंडिया के बारे में बता देता हूं आपको। इंडिया की जो मोस्ट पावरफुल वुमेन्स है उसमें सबसे पहले आई है नंबर वन पे, मतलब 57th रैंक है इनका 100 में से। मैंने आपको बताया ही था 100 में देखा गया है, तो 100 में से 57th रैंक आई है रोशनी, रोशनी नादर मल्होत्रा। ये कौन सी कंपनी से बिलोंग करती है? आईटी स्टॉलवार्ट से, ये वहां की सीईओ है। ऊपर से देखते हैं 60th रैंक पे जो है वो कृष्णा मधुर शॉ है, किरण मजूमदार शॉ, ये दोस्तों बायोमेट्रिक पोइनर की सीईओ है। ऊपर से थर्ड में देखते हैं 88th रैंक जिसका आया है वो शोभा भारतीय है, शोभना भारतीय। ये दोस्तों मीडिया मंगोलिया एसटी चेयरमैन है, ये एसटीसी की चेयरमैन है ये। और उसके बाद देखते हैं 94th रैंक पे आई है प्रियंका चोपड़ा। इनके पास भी काफी ज्यादा पैसा है, आपको तो पता ही होगा बॉलीवुड में काफी ज्यादा पैसा है। तो प्रियंका चोपड़ा 94 रैंक पे। एक बार रिवीजन बता देता हूँ, फोर्ब्स वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्कल है, यूके की पीएम थेरेसा मे है, आईएम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना लागार्डे, ये थ्री हो गए। उसके बाद इंडिया में देखा जाए, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो 57 पे है रोशनी नादर मल्होत्रा, 60 पे किरण मजुमदार शॉ, 88 पे है शोभना भाटिया और 94 पे प्रियंका चोपड़ा, ओके फ्रेंड्स। तो ये तो हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स। उसके बाद हम देखते हैं आगे के पॉइंट। तो आगे के पॉइंट में हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक रेमिटीज, मतलब भारत में पैसा कहां से ज्यादा आता है, और वैसे भी भारत में ही सबसे ज्यादा पैसा आता है बाहर। हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर ज्यादा जाते हैं और रेमिटीज लेके आते हैं, जिसे वर्ल्ड बैंक रेमिटीज बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक रेमिटीज, वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट निकाली है रेमिटीज के लिए। जो भी जाता है बाहर वहां से लेके आता है पैसा, तो इंडिया टॉप ही करेगा। इंडिया में ऑलमोस्ट 80 बिलियन डॉलर आते हैं साल के, 80 बिलियन डॉलर, सॉरी साल के नहीं, मंथ के 80 बिलियन डॉलर्स एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद चाइना है, चाइना में ऑलमोस्ट 67 बिलियन आता है रेमिटीज डॉलर में। उसके बाद थर्ड पे आ जाता है हमारा मेक्सिको और फिलीपींस, तो ऑलमोस्ट इन दोनों का सेमी रेमिटीज इकट्ठा होता है, तो 34 बिलियन, ओके फ्रेंड, 34 इसका 34 इसका, और इजिप्ट का लास्ट में है। तो ये कुछ ज्यादा पैसे अपनी कंट्रीज में यहाँ के लोग भेजते हैं, तो उसमें वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी करी। उसके बाद ये वर्ल्ड बैंक की रेमिटीज रिपोर्ट थी। उसके बाद आते हैं इंडिया क्लेम टॉप 10 लिस्ट फॉर वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी, मतलब वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कौन सी है, और 2019 से लेके 2035 तक, तो वो हम देखते हैं 2019 से लेके 2035 अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट। तो ये किसने रिपोर्ट निकाली है? ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में टॉप 10 फास्टेस्ट सिटी, तो उसमें इंडिया की जो है 2019 to 2035 इंडिया में, इंडिया की मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट में है सूरत, सेकंड में है आपका आगरा, और थर्ड में आपकी आ जाएगी बेंगलुरु। ये काफी ज्यादा डेवलप होने वाली है और इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा बड़ा है, ओके फ्रेंड्स, ये आपका मैंने बता दिया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इंडिया इज 4th हाईएस्ट एमिटर, मतलब कि इंडिया सबसे ज्यादा इमिट्स पैदा करता है, इमिट्स मतलब
कि कार्बन ज्यादा पैदा करता है इंडिया, क्योंकि हमारी आज भी 70% बिजली जो है वो कोयले से ही बनती है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, स्टडी बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ओके फ्रेंड्स, तो हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा करते हैं, तो इंडिया इसमें जो रैंक है वो फोर्थ है, फोर्थ इंडिया की रैंक है। उसके बाद टॉप 10 में चाइना और यूएसए, सबसे पहले यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद चाइना है, उसके बाद हम देख सकते हैं इंडिया है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद आपकी जापान आ जाएगी। तो ये कुछ कंट्रीज हैं दोस्तों, तो ये जो है, उसके बाद आप देख सकते हैं, ये थी स्टडी ग्लोबल कार्बन इंडेक्स के बारे में। ठीक है, ऊपर से देखते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 की। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट मतलब, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का मतलब ये हो जाता है कि न्यूट्रिशन कौन सी कंट्री में बच्चों को ज्यादा मिलता है। न्यूट्रिशन जो है हमारे इंडिया में तो बहुत कम होता है, क्योंकि हमारी आबादी भी ज्यादा है। और न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपको विटामिन्स, ऊपर से कैल्शियम बच्चों के लिए, ऊपर से आपका प्रोटीन का रेशियो क्या है। तो हमारे इंडिया में स्टंट बच्चे जो होते हैं, अपाहिज देख लीजिए आप, जिनके हाथ पैर थोड़े ढंग से काम नहीं करते हैं, तो ऑलमोस्ट 46.46 मिलियन है। तो आप देख सकते हैं कन्वर्ट करके, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो स्टंट बच्चे 46.6 मिलियन है इंडिया में। उसके बाद आ जाता है सेकेंड नंबर पे नाइजीरिया, नाइजीरिया के अंदर 39.9 मिलियन है। ओके फ्रेंड्स, नाइजीर के अंदर 13.9 मिलियन है। ऊपर से उसके बाद पाकिस्तान, ये कुछ टॉप कंट्रीज हैं जहां स्टंट ज्यादा है, बच्चों के अंदर पोषण की कमी है। आप इसको लगाएंगे 46.6 मिलियन, तो अराउंड 4 करोड़ के लमसम हो जाएगा जो बच्चे हमारे हैं, उनको थोड़ा न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। ओके दोस्तों, फिर आता है लिंकेड स्टडी। लिंकेड स्टडी एक संस्था है वो भी, जिसने अमोंग द सिटीज पे द हाईएस्ट सैलरी, मतलब लिंकेड स्टडी ने क्या पता लगाया है, मतलब सर्वे किया एक तरीके से लिंकेड स्टडी ने, कि इंडिया में कौन सी सिटीज में ज्यादा पैसा मिलता है। तो सबसे ज्यादा पैसा मिलता है सिलिकॉन वैली, जिसे हम कहते हैं बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है दोस्तों, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। वहां ऑलमोस्ट 1 पर्सन की एवरेज सैलरी जो होती है वो 12 लाख रुपए तक जाती है साल की, जो बेंगलुरु में जॉब करते हैं उन्हें आइडिया होगा। उसके बाद मुंबई और दिल्ली आ जाता है, मुंबई और दिल्ली में ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 9 लाख रुपए तक जाता है सैलरी, 9 लाख रुपीज पर ईयर। और ऊपर से फिर चेन्नई और हैदराबाद, चेन्नई हैदराबाद, तो इनकी सैलरी रेशियो थोड़ा कम है, बट ऑल राइट, उसको कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। 6.3 लाख चेन्नई का है और हैदराबाद का 8.5 लाख रुपीज ईयरली अर्निंग करते हैं। ये थोड़ी सिटीज में एक बेनिफिट हो सकता है, अगर आप जॉब करते हैं आपको पता होगा। उसके बाद आता है एक्सपेंडी वेकेशन डिप्रेशन रिपोर्ट, मतलब भारत में जो भी विजिटर आते हैं विजिट करने हॉलीडे पर्पज से, जैसे यूके आइसलैंड वगैरह से कोई विजिट करने आता है इंडिया में, तो उनकी सेफ्टी का क्या ख्याल रखते हैं हम लोग। तो हमारी हालत तो वैसे भी बहुत खराब है, हमारे इंडिया के लोगों की सेफ्टी ढंग से नहीं कर पाते, तो बाहर के लोगों की क्या करेंगे। तो ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, एक्सपेंडिंग वेकेशन डिप्रेशन रिपोर्ट दी है, वेकेशन डिप्रीवेशन रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रैंक जो इंडिया की रैंक है वो फिफ्थ है, फिफ्थ रैंक है। ऊपर से यहां का जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे हैं। ऊपर से उसके बाद आ जाता है जापान, जापान में भी थोड़ा क्राइटेरिया कुछ अलग है। जापान है फर्स्ट रैंक पे, उसके बाद आ जाता है इटली सेकंड पे,
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये सेफ्टी प्रदान नहीं कर पाते हैं दोस्तों। ये कंट्रीज है जो सेफ्टी प्रदान नहीं कर पाती है, जो भी वहां के विजिटर जाते हैं तो वहां थोड़ा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप अगर जा रहे हैं कहीं हॉलिडे वेकेशन वगैरह पे, तो आप थोड़ा संभल के जाइए। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल अर्निंग टैलेंट रैंकिंग, मतलब कौन सी कंट्री में ज्यादा टैलेंट मिलता है। तो आईएमडी एक संस्था है, बिजनेस संस्था है ये, इनने एक रिपोर्ट दी है, ग्लोबल एनुअल रिपोर्ट, ग्लोबल एनुअल रिपोर्ट दी है 2019 की, तो ये सॉरी 2018 की रिपोर्ट है ये। तो इसमें दिया गया है कि इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की जो रैंक है वो ऑलमोस्ट 53 रैंक है, और उसके बाद जो स्विट्जरलैंड है वो टॉप कर चुका है। स्विट्जरलैंड में जो है टैलेंट बहुत ज्यादा है उनका मानना यह है। उसके बाद आ जाता है डेनमार्क। इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ के जो एग्जाम होते हैं उसमें इंडिया का रैंक ज्यादा पूछा जाता है। तो इंडिया का रैंक क्या है, 53 रैंक है, और ये किसने किया है सर्वे, आईएमडी बिजनेस ग्लोबल एनुअल रिपोर्ट 2018 में। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ कंट्रीज थी, और उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद नेदरलैंड। यहाँ के लोग जो है कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड होते हैं, इंडिया के बहुत कम टैलेंटेड होते हैं। तो ये जोक सपाट था। ऊपर से फिर हम आते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे। तो द ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट रैंकिंग, मतलब आप इंडिया के हो और आप इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर निकलते हो, तो आपकी चांसेस क्या बनती है कि आपको जॉब मिलेगी इंडिया के बाहर। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट रैंकिंग 2018। ओके फ्रेंड, तो इसमें सबसे टॉप किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूके में है। ज्यादातर जो भी यूनिवर्सिटी टॉप करती है वो यूके की ही होती है, यूके और यूएसए की। उसके बाद आ जाती कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद थर्ड किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, ये भी दोस्तों यूके की ही यूनिवर्सिटी है, और यूके में तो कुछ ज्यादा ही इंस्टीट्यूट है तो वो रैंक हमेशा लेते ही हैं टेक्नोलॉजी। और अब इंडिया के बारे में देख लेते हैं, इंडिया का क्या रैंक है। तो इंडिया का है 28th रैंक। इसमें भी ऑलमोस्ट जो है देखा गया था 20 इंस्टीट्यूट देखे गए थे, नापतोल किए, 20 क्या 100, सॉरी 100 इंस्टीट्यूट देखे गए थे, जिसमें 28th रैंक थी आईआईएससी बेंगलुरु की इंडिया में। उसके बाद था हमारा 53 रैंक आईआईटी दिल्ली। ये हमारे दो आईआईटी की रैंक आई थी 100 में से, 28 एंड 53। तो क्या किसने रिपोर्ट निकाली थी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट रैंकिंग 2018। और ये तीन यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है, और इंडिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलेंगे तो कुछ नहीं मिलना है। तो आप समझ सकते हैं क्या रैंकिंग देते हैं वहां के यूनिवर्सिटी वाले। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लेटेस्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक स्टार्ट। एनर्जी के मामले में देख सकते हैं कि कार्बन एमिशन, वही CO2 ज्यादा कौन सा नेशन निकालता है। तो 2030 तक हम यूएसए के आगे निकल जाएंगे, अभी इंडिया सेकंड पे है। अभी 2030 के अंदर हम मतलब कार्बन एमिशन कुछ ज्यादा ही उठाएंगे, यूएसए ज्यादा, और चाइना तो आपको पता ही होगा, चाइना तो टॉप मार ही रहा है हर चीज में। उसके बाद हम आ जाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2000। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है दोस्तों कितना फ्रैंकली आप बिजनेस कर सकते हो कोई कंट्री में। तो इंडिया का रैंक तो बहुत खराब है, इंडिया के अंदर तो बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पेपर वर्क बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये किसने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकाली है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकाली है जिसके अंदर
इंडिया की जो रैंक है वो 77 है, इंडिया की जो रैंक है वो 77 है, और टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। मतलब न्यूजीलैंड में आपको भी बिजनेस स्टार्ट करोगे 110% आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और इंडिया में सबसे अच्छी जगह बिजनेस स्टार्ट करने की कौन सी है? गुजरात। गुजरात में आपको मैं सबसे पहले बता चुका हूँ, सूरत इज द बेस्ट प्लेस टू डू बिजनेस स्टार्टअप्स। ओके फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, यू विल बी कंटिन्यू विद अस। तो उसके बाद हम देखते हैं, आइसलैंड इज द सेफेस्ट कंट्री टू विजिट व्हाइल इंडिया इज द फोर्थ डेंजरस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो आप अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तो आइसलैंड बहुत अच्छी कंट्री है, आइसलैंड में आप घूमिए, सेफेस्ट कंट्री कह सकते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, वहां मैंने जर्नलिस्ट के बारे में बताया था और ये जो मैं बता रहा हूँ विजिटिंग पर्पज से बता रहा हूँ। तो आप अगर विजिट कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो बाहर की कंट्री में जो आइसलैंड है वो टॉप है, और 20 कंट्रीज को रिपोर्ट किया गया था, मापदंड में लाया गया था। तो आइसलैंड के बाद यूएई अच्छी कंपनी है, अच्छी कंट्री है घूमने के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा सिंगापुर, सिंगापुर के बाद आ जाता है स्पेन, स्पेन के बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये अच्छी मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कंट्रीज है जहां आप घूम सकते हैं। और इंडिया का थोड़ा वर्स्ट रैंक है, 20 में से 17th रैंक है, और उसके बाद सबसे खराब है साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहां तो आपको पता ही होगा एक तो पानी की भी कमी है जोहानिसबर्ग में। ओके फ्रेंड्स, अफ्रीका, तो ये था कुछ। उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ दूसरे टॉपिक पे। बेंगलुरु रैंक इंडिया मोस्ट कंजेस्टेड सिटी, मतलब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लोग वहां रहते हैं, फ्रीली नहीं रह पाते हैं, तो उसमें बेंगलुरु ने टॉप किया है। और ये मतलब जो संस्था है ये किसने निकाला, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च इनने सर्वे किया है जिसमें बेंगलुरु टॉप पे है। वहां बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लोग रहते हैं, ऊपर से जो टॉप पे है बेंगलुरु और पुणे है 7th रैंक पे। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद अगर सेकंड रैंक देखी जाए तो मुंबई की है, उसके बाद थर्ड रैंक देखी जाए तो दिल्ली की है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंगलुरु और पुणे याद रखना है, क्योंकि ये दो चीज के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा आपसे। ऊपर से हम आ जाते हैं दोस्तों टॉप 3 स्लोएस्ट सिटी, मतलब जो बहुत धीरे चलती है सिटी, कोई कह सकते हैं कि वहां ट्रैफिक जरा कम होता है, ट्रैफिक कम होता है और वहां के लोग उठते भी थोड़े लेट होंगे। तो सबसे पहले है कोलकाता, थोड़ा नॉर्मल सिटी है, स्लोएस्ट सिटी है। उसके बाद आ जाता है बेंगलुरु, उसके बाद आ जाता है आपका हैदराबाद। तो ये जो टॉप 3 सिटीज है ये स्लोएस्ट सिटी है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाएंगे फास्टेस्ट सिटी के ऊपर। फास्टेस्ट सिटी कौन सी है, टॉप 3 फास्टेस्ट सिटी, टॉप 3 फास्टेस्ट सिटीज, तो सबसे पहले आ जाती है रानीपीठ, सेकंड आ जाएगी आपकी श्रीनगर, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है कैयाकुलम। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ रिपोर्ट थी टॉप 3 फास्टेस्ट सिटी की अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ रिसर्च फर्म। उसके बाद हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय रिसर्च फर्म एनालाइजेस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय रिसर्च फर्म एनालाइजेस, इंडिया ओवरटेक यूएसए सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट आफ्टर चाइना। मतलब ये है कि सबसे ज्यादा स्मार्टफोन चाइना में बनते हैं, उसके बाद बनते हैं इंडिया में, सॉरी थर्ड रैंक है, और सेकेंड है यूएसए का, तो ये थर्ड है, सॉरी हाँ, तो यूएसए सेकेंड में, तो ओवरटेक कर रहे हैं हम इसको, यूएसए को ओवरटेक करके सेकेंड नंबर पे आने वाले, तो इंडेक्स है ये कुछ। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एनुअल रिपोर्ट आई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, वर्ल्ड बैंक की कुछ अलग रिपोर्ट आती है, और वो कुछ अलग रिपोर्ट थी जो मैंने बताई थी पहले जो मैंने रिपोर्ट बताई थी वो कुछ अलग थी, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक,
वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट निकालता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, साल में एक बार ही आती है, बाकी सब रिपोर्टें 6-6 महीने बाय एनुअली भी रहती है। तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 के हिसाब से कि इंडिया का जो रैंक है वो 80 है ईज ऑफ डूइंग के मामले में 190 कंट्रीज में से। ओके फ्रेंड्स, और ये ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर वाला रिपोर्ट है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्ट बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट कमीशन बाय पेमेंट, मतलब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने कितना परसेंट अभी तक मतलब हम कन्वर्ट हो पाए हैं ई पेमेंट की तरफ। पहले हमारी जो रैंक थी, इंडिया की जो रैंक थी ई पेमेंट में, पहले 2011 में वो हमारी 36 थी और 2018 में हमारी रैंक है 28th रैंक। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ रैंक है जो कि कहां से आई है, ई पेमेंट जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट कमीशन ने निकाली है, ये हमारी ई पेमेंट है कि हम कितना डिजिटल हो पाए। इंडिया आज भी डिजिटल नहीं है क्योंकि लिटरेसी पावर नहीं है दोस्तों, अगर लिटरेसी पावर होती तो हमें इतना टाइम लगता ही नहीं। उसके बाद आ जाते हैं फोर्ब्स एनुअल इंडिया रिचेस, मतलब कि फोर्ब्स के मुकाबले, मतलब फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट निकाली है, फोर्ब्स एनुअल इंडिया रिपोर्ट कि वर्ल्ड में रिचेस्ट जो लोग हैं उनमें इंडिया का कितने लोग हैं और क्या क्या उनके नाम हैं वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले मुकेश अंबानी हैं, इंडिया के हैं ये, ओरिजिनेटेड बाय इंडिया, ये 11th नंबर पे हैं, फ्रॉम इस 10th ऑफ 11th। तो इनकी जो साल की टर्नओवर बता सकते हैं वो 47.3 बिलियन है। उसके बाद हम सेकंड पे देखते हैं विप्रो के जो हेड हैं आजिम प्रेम जी, ये विप्रो के सीईओ हैं दोस्तों। तो ये सेकंड है, इनकी जो संपत्ति है वो 21 बिलियन है, 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़, तो आप समझ सकते हैं 1 बिलियन की कीमत 10 करोड़ होती है, तो 21 बिलियन और 47.3 बिलियन। उसके बाद आ जाते हैं लक्ष्मी मित्तल, ये भी हमारे इंडिया के थोड़े बड़े बिजनेसमैन है, थोड़े तो क्या बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसमैन है, ये मित्तल ग्रुप के चेयरमैन भी है और सीईओ भी। तो इनकी जो संपत्ति है वो 18.3 बिलियन है। ओके फ्रेंड्स, तो रिपोर्ट किसने निकाली, फोर्ब्स एनुअल इंडेक्स रिचेस 2018 की लिस्ट में। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो हमारा रेशियो है वो देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मतलब हमारी पर कैपिटा इनकम कैसी है हमारे नेशन में, तो वो इसमें मैनेज की। तो सबसे पहले कैपिटा इनकम जो है वो सिंगापुर की अच्छी है, सिंगापुर की। सेकंड पे आ जाते साउथ कोरिया, तो ये फर्स्ट और सेकंड तो याद रखना, और इंडिया का है 115th रैंक इंडिया का है। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी पड़ेगी वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। ऊपर से आ जाते ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब कितना भूखमरी कौन से देश में ज्यादा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इंडिया की क्या रैंक हो सकती है इंडेक्स 2018 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो इसमें इंडिया की रैंक 103 है, कितनी कंट्रीज में से दोस्तों, 190 कंट्री में। आप समझ सकते हैं कितनी भूखमरी है हमारे इंडिया में। ओके फ्रेंड्स, और टॉप किया है फर्स्ट जो रैंक है वो बेलारूस है, वहां थोड़ी भी भूखमरी नहीं है। और उसके बाद जो है आयरलैंड आ जाता है, आयरलैंड में तो आपको पता ही आबादी कुल 3 लाख की है, तो वहां भूखमरी का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। और जर्मनी की आबादी कुछ तो 2 करोड़ की ऑलमोस्ट समथिंग है, तो उनकी जो नेशंस है वो थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है कैपिटलिज्म वगैरह में और पब्लिक के ऊपर। तो ये हमारे कुछ इंडेक्स थे दोस्तों, ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
और आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं प्लीज दोस्तों। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और जय हिंद।